छह महीने के अंदर पिता और बड़े भाई की झेली मौत, फिर भी हार नहीं माने आकाशदीप, अब टीम इंडिया में डेब्यू कर जीता करोड़ों का दिल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो ऐसे में क्या है इस खबर की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए जानना बन जाता है बेहद जरूरी। तो दोस्तों अंत तक बने रहें, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप भी हो टीम इंडिया के फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्रिकेट के हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रह सको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रांची में खेल रही है। इस मैच में भारत के प्रमुख और टैलेंटेड गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेज करने के कारण बाहर हो गए हैं। जी हां, इस वजह से बुमराह की जगह आकाशदीप को इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। जी हां दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने बिहार में जन्मे बंगाल के गेंदबाज को डेब्यू कैप सौंपी। 27 साल के इस गेंदबाज के लिए बिहार की गलियों से टीम इंडिया तक का सफर तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि यहां तक का सफर तय करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आइए जानते हैं आकाश की संघर्ष भरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों दरअसल जब आकाशदीप को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों के लिए टीम इंडिया में बुलाया गया तो वह काफी खुश हुए। साथ ही बंगाल क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। लेकिन आपको बता दें कि उनके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। दरअसल एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे वह 6 महीने के अंदर अपने पिता और भाई को खोने के बाद अपना मन मजबूत रखा और खेलना जारी रखा। तो दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे वह खेलने के साथ साथ अपना परिवार भी चलाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे हैं। बंगाल के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने कहा कि बिहार में क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं है, खासकर सासाराम में क्रिकेट खेलना एक तरह का अपराध था। जी हां, कई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह और उस समय बिहार में क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं था। खुद खिलाड़ी के पिता ने भी आकाश को सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने को कहा था, लेकिन आकाशदीप के दिल और दिमाग में सिर्फ क्रिकेट ही था। आकाशदीप के जीवन में कठिन समय तब आया जब वह 6 महीने के भीतर उनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई। जी हां, इस घटना के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। हालांकि ऐसे मुश्किल वक्त में अंदर से टूटने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शानदार प्रदर्शन कर खुद को मजबूत किया। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि आकाशदीप ने साल 2019 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने 30 मैचों में 104 विकेट लिए हैं। वह बंगाल टीम के नियमित गेंदबाज रहे हैं। निचले क्रम में वो अपनी आक्रामक गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जी हां, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक 32 छक्के और 24 चौके लगाए हैं, जबकि लिस्ट ए में 28 मैच खेलते हुए 42 विकेट भी ले चुके हैं। तो दोस्तों आकाशदीप को जसप्रीत बुमराह के जगह बीसीसीआई ने सही फैसला लिया या गलत, हमें कमेंट कर बताएं। और आकाशदीप के ड्रीम डेब्यू पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर भी बताएं। और क्रिकेट की ऐसी ही खबरें के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।